साल शुरू होता है ये वाला, और साल के शुरुआत में ही, यानी कि भाई कितने ही महीने हुए, जैन खत्म हुआ, फैब खत्म हुआ, मार्च चल रहा है, और मार्च आते आते ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बवाल और विवाद हमको देखने को मिलते हैं कि पूछिए है मत। इस महीने का, इस हफ्ते का पूरा सबसे बड़ा हाईलाइट जो रहा है वो था एल्विस वर्सेस मैक्सटन। एल्विस वर्सेस मैक्सटन की फाइट में बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके की बातें रखी और अलग अलग तरीके के लोगों के शब्द थे, बट एक बंदा जो अभिषेक के दोस्त हैं, ये इनका जो ओपिनियन था वो बहुत अजीब, अलग और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भड़काऊ भी था। अभी हाल फिलहाल आखिर क्या हुआ है और क्यों इनका ये बयान आया सोशल मीडिया पर, मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों, जिस तरीके का प्यार मिलता है ना एल्विस यादव को, वो बहुत लोगों के बस की बात नहीं है शायद। मतलब बहुत लोगों का ड्रीम है उस लेवल का प्यार पाना, उस लेवल का सपोर्ट पाना, और ख़ास करके जिस तरीके से पब्लिक उनके पीछे पागल है, और तभी शायद वो बोल पाते हैं कि तेरे शहर आके तेरा शहर जाम करने की ताकत रखता हूँ। समझ रहे हो आप? तो ये जो रुतबा है, ये जो वजूद है, उन्होंने कहीं ना कहीं, ये जो उनका रसूख है, ये अपने बलबूते पर उन्होंने बनाया है। लेकिन मैक्सटन आज एक वीडियो डालते हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो वीडियो पूरा, और मैक्सटन उसमें क्या कहते हैं वो भी आप खुद सुन सकते हो। ये सुन एक नया सकते गाना आ रहा है प्लेडियम में, फरियाद भी पे राव साहब रोलिंग, और इसमें आपके लिए एक छूट है, सरप्राइज है। तो जल्दी से प्लेडियम पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस गाने का वेट करो। ये मैक्सटन का वीडियो आता है, मैक्सटन एल्विस यादव का गाना प्रमोट कर रहे हैं, राव साहब रोलिंग, जिसमें माहिरा शर्मा भी हैं। उसके बाद अभिषेक के दोस्त हैं जासूस किंग, इन ये एक ट्वीट लिखते हैं, और आप देख सकते हो ये ट्वीट है। इस ट्वीट में जासूस लिखते हैं, अब तो लग रहा है सब कुछ स्क्रिप्टेड था। जिसके बाद किसी ने नीचे फनिंग वे में लिखा है कि और वो स्क्रिप्ट अंजलियंस ने लिख कर दिया था। उसके बाद किसी ने लिखा है कि फिर भी तेरे करियर से कम स्क्रिप्टेड था, तू तो कुछ कर ले। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।